मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सुधीर पाठक ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर कई संगीन आरोप लगाए और कहा कि कार्यकर्ता पार्टी में रहकर पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करता है और जब टिकट लेने की बारी आती है तो किसी और का हो जाता है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ छोटे बड़े नेता अपने फायदे के लिए कार्यकर्ताओं का फायदा उठाते हैं। आगे जानकारी देते हुए कांग्रेसी वरिष्ठ कार्यकर्ता सुधीर पाठक ने बताया। आपका सुधीर पाठक जी, क्या आपत्ति लगा रहे हैं आप? क्या आपत्ति? मैंने अपनी पार्टी स्तर पर उन्हें अवगत कराया है कि जो टिकट का वितरण हमारे यहाँ पहले भी ऐसे हुआ और अब भी इस बार भी ऐसे हुआ है कि पूरे साल नेता के दिख रहा, जब टिकट का टाइम आता है तो पता नहीं किसकी सिफारिश से टिकट बांटी जाती है, कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता। और मेरा तो ये आरोप है कि हमारे कांग्रेस के टिकट जो है भाजपा और सपा के कार्यालयों पर बैठ के तय करे जाते हैं। अच्छा, काफ़ी टाइम से आप राजनीति कर रहे हैं, जिला और महानगर अध्यक्ष हैं, तो इनसे कभी आपने शिकायत करी इस बारे में? अरे बिल्कुल, मेरा तो घर का मसला है, सबसे मेरी डेली बात होती है। जिला का मैं उपाध्यक्ष और प्रवक्ता हूँ और सब सारी लिखत पढ़त मुझसे होगी और जब ये टिकट का टाइम होगा तो हमें किनारे कर दिया जाता है। फिर पता नहीं कौन, मेरा खुद का वार्ड नंबर 26 कटघड़ से, मतलब मैं प्रत्याशी की मेरी उम्मीद थी और पता लगा, पता नहीं किसे कर दिया, उसे मैं भी नहीं जानता, और से टिकट इन्होंने जानबूझ के दे दिया। और मेरा ये मानना है कि हमारी पार्टी में भी जो है जो टिकट दिए जाते हैं वो दूसरे दलों की सहयोग की भावना से दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें फायदा हो जाए। जिसके एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, अभी आज वार्ड 57 में श्री गुल जी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं और वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापिस लेकर उन्हें निर्विरोध का रास्ता तय कराया। हमारे MDA में सुरेंद्र बिश्नोई निर्विरोध हो गए BJP के, वहाँ हमारे कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रहते हैं लेकिन वहाँ कांग्रेस को टिकट देने के लिए नेता नहीं मिला। ये हमारी कांग्रेस क्या मानते हैं? कांग्रेस को बहुत नुकसान मिला है। कांग्रेस का मुझे तो नुकसान ही दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस में एक लहर सी चल रही है कि शहद मतलब मैनेज हो रहे हैं और यह भाजपा और सपा की ही यूपी में रहेगी, कांग्रेस तो कहीं फाइट में भी नहीं आ रही। अच्छा, मेयर प्रत्याशी कैसा है आपका? मेयर प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ वही उन्हें चुनाव लड़ना तो संगठन से के नेताओं के संपर्क में रह के बात करते हैं वो, और वे संगठन उन्हें जैसे चलाए वैसे चलाते हैं, बढ़िया आदमी वैसे। निकाय चुनाव की जैसी हालत है, आगामी लोकसभा चुनाव 24 नजदीक है, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? ये 24 नजदीक को क्या कह रहे हैं, उसका रिहर्सल है भाई साहब। ये जो भी BJP तो सिर्फ रिहर्सल मार के चल रही है और हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था, अगर जो अच्छा हम रिजल्ट देते इसमें तो 24 में हम फाइट में आते। राहुल जी हमारे कितनी मेहनत कर रहे हैं, पूरे देश को लेकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने पैदल जोड़ दिया और यहाँ क्या स्थिति हो रही है? यहाँ हमारे प्रत्याशी अपने नाम वापिस ले रहे हैं दूसरे प्रत्याशी के समर्थन, कहीं हमारे किसी वार्ड में हमारे प्रत्याशी नहीं मिल गया, कहीं ना कहीं। अरे बिल्कुल 101 कहीं दूसरे दल के नेता करते हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद गुंबर ने बताया, उससे संतुष्ट नहीं, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। जब उन्होंने आपके PCC AICC पूर्व जिला अध्यक्ष इन सबको उसमें कैडर में रखा, उसमें कोई भी कैडर में एक दो को छोड़कर कोई नहीं था। मैंने उनको 5-6 नाम दिए, जैसे हमारे सुधीर पाठक कटघर में, वो उसमें मैंने कहा कि इसमें कोई प्रत्याशी नहीं उतारना हम, क्योंकि वो उस जिले का उपाध्यक्ष भी है। तो उसमें फिर भी उन्होंने ऐसा मुझे हो रहा महसूस कि कहीं पर इसमें दूसरी पार्टी का सहयोग तो नहीं है, उनके मतलब सहयोग से कि इसको टिकट दे दो उसे टिकट दे दो, ऐसा लग रहा है कि इसका ना बहुत बड़ा काम है। अच्छा, कांग्रेस को काफी नुकसान मिलेगा मेयर के चुनाव में? कांग्रेस में जो हमारा प्रत्याशी है अगर संगठन दिल से चुनाव लड़ा दे तो रिजवान कुरैशी अब किसे मेयर बन जाए। तो आपको लग रहा कहीं ना कहीं फूट आपस में ही? ना, फूट जो है हम उसको मतलब कोशिश करेंगे कि फूट को एक फूट तो देखो हर दल में, फूट हर दल में है। मैं भी उसका मेयर का प्रत्याशी था, मुझे टिकट नहीं मिला, कोई बात नहीं। ये हमारे पार्टी हाईकमान का जो भी उसका निर्देश है, खासकर विनोद गुंबर, उसका मतलब पालन करेगा। मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं चाहूंगा कि हिंदू क्षेत्रों में उसको इतना मतलब वोट मिले ताकि ये एक शहर के अंदर पैगाम जाए, फिर एक हिंदू ने एक मतलब मुसलमान भाई के लिए वोट दिलाया। ठीक है भाई साहब।